दोस्तों ये सामने रोड देख रहे हैं, इधर आप गोदौलिया चौराहा आएंगे, गोदौलिया होते हुए सामने पे ये आते समय बाएं साइड ये जाएगा दशाश्वमेध घाट, मान मंदिर घाट जाएगा और ये सामने आपका जाएगा दशाश्वमेध घाट। तो हम अभी कॉरिडोर में जाना है, हमें कृष्णा कॉरिडोर, तो हम इस रास्ते से जाएंगे। सामने के मान मंदिर घाट से इधर मान मंदिर जाएंगे, इधर दशाश्वमेध घाट जाएंगे। दोस्तों घाट पे जाने देखिए कहीं काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग घाट पे जा रहे हैं, बहुत भीड़ है आज, क्योंकि आज भी ना संडे यहाँ ज़बरदस्त भीड़ है यहाँ पर। तो देखिए पूजा पाठ करने के लिए लोग जा रहे हैं, सामान लेके पूजा पाठ का। तो देखिए कितनी भीड़ है, काफी लोग दर्शन करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ एक मोड़ है, मोड़ पर कभी आइएगा तो ये अन्नपूर्णा मेटल दुकान है, और गायत्री मेटल स्टोर से यहाँ से जरूर मुड़िएगा। यहाँ काफी सारे मोड़ है आने जाने के लिए। दोस्तों आप देख रहे हैं और ही माता टेम्पल रास्ता जाएगा। तो आप दोस्तों ये जो गली देख रहे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जाएगा। तो हमने जो अपनी अभियान शुरू की थी दुधलिया साइड से, दोस्तों देखिए काफ़ी बड़ी लाइन लगी है और संडे दिन हो ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। तो आपको दर्शन करने के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगानी पड़ेगी, यहाँ संडे होने की वजह से काफ़ी यहाँ भीड़ है। तो बम बोले सब बोल रहे हैं। हरे हरे शंभू। तो गाइस यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो हम कॉरिडोर में आ चुके हैं। अन्नपूर्णा मंदिर है। तो गाइस ये एंट्री गेट है, यहाँ पर आपका मोबाइल अलाउ नहीं है अंदर। तो हम आपको दूसरा जगह लोकेशन दिखाते हैं वीडियो में कॉरिडोर का, जो मेन मंदिर है विश्वनाथ जी का, अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है। दोस्तों आप विश्वनाथ कॉरिडोर वीडियो देख रहे हैं लाइव। तो आज हम भी फर्स्ट टाइम आए हैं, तो हमारे साथ आप भी विश्वनाथ कॉरिडोर का वीडियो देखिए। तो सामने उस शिखर देखिए काशी विश्वनाथ जी का। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए बाबा भोलेनाथ। तो यहाँ हमेशा साफ सुथरा रहेगा, देखिए साफ सफाई हो रही है सुबह के टाइम में, तो यहाँ आपको गंदगी बिल्कुल नहीं मिलेगी। देखिए एकदम क्लीन एंड नीट है, यहाँ पर कोई भी डर्टी प्लेस नहीं है, कोई भी गंदगी नहीं है। दोस्तों ये जो डॉग है, हिंदुस्तानी डॉग बोलिए, ये आपको हर जगह मिलेंगे, चाहे मंदिर हो चाहे किसी का घर हो, कोई भी प्लेस हो, ये आपको हर जगह मिलते रहेंगे। यहाँ पानी पीने की व्यवस्था दी गई है, पानी पी सकते हैं। तो हम गेट नंबर 1 पा चुके हैं गाइस। तो सामने देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो पूरा कंटिन्यू देखिएगा कॉरिडोर का। तो सामने शिखर का दर्शन कर लीजिए। सामने आपका अमृत भवन है। तो गाइस से सामने गंगा जी हैं, ललिता घाट पर इस टाइम हम हैं। तो सामने जो कॉरिडोर ललिता घाट बना हुआ है, अभी हम वहाँ पे चलकर वीडियो दिखाएंगे। तो इस प्लेस पे जो भी आता है सेल्फी जरूर लेता है। तो ये आपका जो मेन गेट है, इसके अंदर मंदिर है, तो अंदर मोबाइल अलाउ, कैमरा अलाउ नहीं है, तो हम आपको इसके अंदर वीडियो नहीं दिखा सकते। बस आप शिखर देख के दर्शन कर लीजिए दोस्तों। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ जो भी आता है वो सेल्फी लेता है। भारत माता, ठीक है, भारत माता मंदिर बना हुआ है यहाँ पर, एक तरह से देख सकते हैं। ये भाई भारत माता जी की मूर्ति है। ये श्री मान धातेश्वर महादेव मंदिर है। अंदर भी महादेव है। इसका गेट अभी बंद है, कुछ जा नहीं सकता इसके अंदर। सामने सोमनाथ भवन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ जो भी आता है वो सेल्फी लेता है। भारत माता, ठीक है, भारत माता मंदिर बना हुआ है यहाँ पर, एक तरह से देख सकते हैं। ये भाई भारत माता जी की मूर्ति है। ये श्री मान धातेश्वर महादेव मंदिर है। अंदर भी महादेव है। इसका गेट अभी बंद है, कुछ जा नहीं सकता इसके अंदर। सामने सोमनाथ भवन है। तो दोस्तों यहाँ काफ़ी सारे भवन बने हैं, मैंने कुछ भवन आपको दिखा चुके हैं। तो यहाँ भी बैद्यनाथ भवन है, भीमा शंकर तिथिगिरी भी है। यहाँ एक तरफ गेस्ट हाउस है, कुछ लोग रह सकते हैं। यहाँ शौचालय टॉयलेट सब कुछ व्यवस्था दी गई है। तो सबके आपका सिग्नल्स लोगो बने हुए हैं, किस साइड आपको जाना है। तो दोस्तों ये देखिए बैद्यनाथ भवन है। तो हम इस रोड से अंदर आए हुए हैं। तो ये बैद्यनाथ भवन है, बैद्यनाथ भवन के सामने ये आपका शौचालय बना हुआ है। ये शौचालय जो एक तरह से कह सकते हैं जैसे होटलों में होते हैं अच्छे VIP टाइप के, वैसे बहुत बढ़िया बने शौचालय। ये आपका लेडीज शौचालय है बैद्यनाथ भवन के सामने। तो किसी को आना हो तो पहले बैद्यनाथ भवन पूछिएगा कहाँ पे है, उस एरो में पूछ के आप शौचालय टॉयलेट आ सकते हैं। ये आपका सामने श्री अमृतेश्वर महादेव मंदिर है। तो यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर मिलेंगे। तो मंदिर काफ़ी पुरानी है, तो देखिए इसकी गहराई थोड़ी ज़्यादा है, मंदिर नीचे चली गई है। भोलेनाथ जी का मंदिर रख सकते हैं। इसको जाने के लिए यहाँ सीढ़ी बनी हुई है दर्शन करने के लिए। तो ये टॉयलेट यहाँ भी बना हुआ है, फीमेल टॉयलेट्स है। जाना नहीं है। तो यहाँ पर हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखा गया, काफ़ी साफ सफाई होती है कॉरिडोर में। तो यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं, विदेशों से भी तक आते हैं। तो साफ सफाई का ध्यान बहुत ज़्यादा रखा गया है यहाँ पर। इस मंदिर का मेंटेनेंस चल रहा है, देखिए सब जड़ी है। तो दोस्तों देखिए लाइट लगी हुई है, रात को ये लाइट जलेगी, बहुत अच्छी व्यू आती है लाइट रात में। तो एक दिन नाइट में आएंगे तब तो नाइट व्यू बनाकर आपको दिखाएंगे। तो आप देखिए सब बैरिकेडिंग लगा हुआ, पुलिस वाले सब लोग बैठे हुए हैं, कोई घाट ना जा सके, तो उधर भी खतरा है काफ़ी। तो आप बैक कैमरा से वीडियो देख रहे हैं ललिता घाट का। ये सीढ़ी जाती है सीधे मंदिर परिसर में, जहाँ लोग दर्शन करते हैं। तो ये ललिता घाट का कॉरिडोर है। देखिए आप यहाँ पर सब बैरिकेडिंग लग के रोक दिया गया है, घाट पर किसी को जाने अलाउ नहीं है। यहाँ बाढ़ आया हुआ है बनारस में, इसलिए सब घाट डूब गए हैं, तो दुर्घटना के चांसेस ज़्यादा होती है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं पूरे भारत से, अभी विदेशों से भी आते हैं, तो भीड़ ज़्यादा होती है। तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल मना कर दिया है कि आपको घाट किनारे बिल्कुल नहीं जाना है। यहाँ पर कुछ नोटिस दिए गए हैं, यहाँ कोई गंदगी करेगा, धूमपान करेगा, गुटखा खाएगा तो 500 जुर्माना लगेगा। और यहाँ दोस्तों लॉकर की व्यवस्था दी गई है। कुछ लोग जो भी लोग आते हैं पहले घाट पर नहाते हैं, गंगा जी में नहाते हैं, नहा के दर्शन करने जाते हैं। तो यहाँ लॉकर में अपना मोबाइल फ़ोन वॉलेट सब कुछ जमा कर सकते हैं। मंदिर परिसर में कुछ भी अलाउ नहीं है। तो कहने मतलब दोस्तों है कि मंदिर जो मंदिर आपका है, आप अंदर कुछ ले नहीं जा सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आपका पर्स तक जमा हो जाएगा। तो यहाँ काफ़ी लोग आए हैं जो फ़ोटो वीडियो बना रहे हैं। तो बाढ़ देखिए इतनी जबरदस्त बाढ़ है, यहाँ इस लोकेशन गंगा आरती होती है जो डूब चुका है पूरा। तो इस जगह कह सकते हैं मानसरोवर है। इस लोकेशन पर आना होगा तो आपको पूछना पड़ेगा, आपको मानसरोवर जाना पड़ेगा। और मानसरोवर के बगल में आपका नेपाली मंदिर है, सामने देखिए वो नेपाली मंदिर है। तो आप वीडियो देख रहे हैं विश्वनाथ कॉरिडोर का। गंगा जी में बाढ़ आया है, उस पार बिल्कुल बंद हो गया, सारे रेते डूब चुके हैं। अब यहाँ नाव चलना, घूमना फिरना सब बंद है घाट के किनारे का। तो सामने देखिए वो जो टेढ़ा मंदिर इसको बोलते हैं, वो भी डूब चुका है पूरा। वो सिंधिया घाट पे पड़ता है दोस्तों। अब सामने एक ओवरब्रिज देख रहे होंगे, वो राजघाट पुल है। तो पानी देखिए इतना ऊपर आया हुआ था पूरा, अभी पानी कुछ कम हुए हैं। अंदर कॉरिडोर जो है ना पूरा पानी डूब चुका था नीचे का पिछला। पानी नीचे चला गया पर साथ में रेते बालू मिट्टी सब रह गए हैं। अब साफ सफाई होंगे तो साफ होंगे तो लोग घूमने जा सकते हैं इस नीचे। तो आप ये देख रहे हैं ललिता घाट, यहाँ लोग नहाते हैं। नीचे सीढ़ियाँ डूब चुकी हैं, घाट जो तो यहाँ पर जाना बिल्कुल मना है, कोई जा नहीं सकता है। क्या फतेहपुर से, जो कानपुर के पास पड़ता है, फतेहपुर ना, खागा फतेहपुर। तो दर्शन करने आए थे, दर्शन हो गया आप लोगों का। तो ये ललिता घाट का मेन कॉरिडोर है, रास्ता बंद है, उस साइड नहीं जाना, उधर जाना, उधर 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 है यार, उधर है। तो यहाँ सभी लोग सेल्फी ले रहे हैं घाट के किनारे। अरे उधर। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा नज़ारा है, यहाँ दर्शन करके आराम से बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। ये आपका ललिता घाट बना हुआ है, इसके अंदर बहुत ठंडा है, गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगा। ऊपर लाइट लगी हुई है, पंखे भी हैं, तो आप चाहे दिन में आइए चाहे रात में आइए, एनी टाइम आइए, इस जगह पर जरूर आइएगा, आपको यहाँ बहुत अच्छा लगेगा देखने को। तो यहाँ सब व्यू देखिए ललिता घाट का। तो यहाँ लोग ठंडा ठंडा बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, बहुत प्यारा भी यहाँ का है। तो अब हम गंगा जी एकदम पास से जाकर वो दिखाते हैं गंगा जी का व्यू। देखिए इस पोल में सब लाइट लगी है जो रात में जलती है, बहुत अच्छा आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ हम ललिता घाट देख रहे हैं, मेन कॉरिडोर। पानी देखिए इतना ऊपर आया था, मिट्टी जो देख रहे हैं आप कि पानी तो कम हो गया पर साथ में कीचड़ बालू मिट्टी से छोड़ दिया है। अब यहाँ जब साफ सफाई हो जाएगा तो लोगों को नहाना चालू होगा। अभी जहाँ लोग नहाते थे वो लोकेशन और घाट अभी डूबा हुआ है पानी में, तो अभी इस जगह बिल्कुल आना मना है। सामने नेपाली मंदिर है। तो सामने व्यू देखिए गंगा जी का, ये गंगा माता हमारी है। तो यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं मंदिर परिसर, शंकराचार्य चौक और मणिका घाट। तो मणिका घाट का रूप देखिए दाएं साइड दिया हुआ है, तो इस रोड से मणिका घाट जा सकते हैं। तो सामने आप जो लाल रंग की बिल्डिंग है वहाँ देख रहे हैं, वही मणिका घाट है। वहाँ लाशें जल रही हैं, इसलिए सब डूब चुके हैं बाढ़ में, तो सब ऊपर छत पर व्यवस्था दिया गया, छत जल रही है। तो दोस्तों ये अब वीडियो जो आप देख रहे हैं मेन मंदिर का है, सामने देखिए लाइन लगी हुई है, इसके अंदर बाबा विश्वनाथ जी हैं। तो बाबा उनका शिखर देखिए, यहाँ से वीडियो आपको दिखेगा शिखर। तो आप जो गोल्डन रंग का कलर देखें वो शिखर है, बाबा विश्वनाथ जी हैं, जिसके अंदर हम लोग दर्शन करने जाते हैं सभी लोग। तो यहाँ बाहर से जो भी आता है तो इसके अंदर जरूर जाता है, अंदर मोबाइल जाना अलाउ नहीं है, तो इसलिए हम पास जाकर वीडियो नहीं दिखा पा रहे हैं, तो हमें दूर से वीडियो आपको दिखाना पड़ जा रहा है। तो सामने वो देखिए वो मस्जिद है, जो भी बवाल चल रहा था। तो गाइस ये देखिए वो सामने ज्ञान वापी मस्जिद है, जो विश्वनाथ जी मंदिर बगल में बनाया गया है। तो सामने बैरिकेडिंग लगा हुआ कि इस पास उसका कोई ना जाए, तो इस टाइम इसका बवाल चल रहा है काफ़ी। तो गाइस पूजा करने के बाद बजरंगबली का पूजा ना किया जाए तो एक तो पूजा मान्य नहीं होता है, तो हम नमस्कार कर लेते हैं दूर से, जय बजरंगबली। तो ये ओंकारेश्वर भवन है, ये भी मेन रास्ता जाता है अंदर। तो गाइस देखिए इतनी इसमें 10:30 बज रहे हैं, काफ़ी भीड़ ज़्यादा हो गई है। इतनी ज़्यादा भीड़ है कि जाना मुश्किल हो गया सभी को। वीडियो बन रहा है। हेलो दोस्तों, वीडियो को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। बहुत मेहनत किया वीडियो बनाने में। कॉरिडोर में पहली बार आया हूँ तो आज बहुत मेहनत किया वीडियो बना के। तो आप लोग भी मेरे वीडियो को देखिएगा अच्छे से और पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आप सभी अपना प्यार बनाए रखिएगा हमारे चैनल पर। तो फिर मिलते हैं आपको न्यू वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।